रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। माय नेम इज़ ईशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस, पब्लिश हुए 9 मई 2024 को। ये है जी आज का कार्टून जो शो कर रहा है कि इसराइल का जो जुल्म है गज़ा के लोगों पर बढ़ता जा रहा है। गज़ा का बॉर्डर जो मिस्र के साथ मिलता है उसको कहते हैं रफा बॉर्डर। रफा बॉर्डर के करीब मिलिट्री एक्शन पहले इसराइल के नहीं हो रहे थे, तो इसलिए गज़ा के लोग वहाँ पे चले गए, वहाँ पे कैंप बना लिए। लेकिन जी अब मिलिट्री एक्शन इसराइल के वहाँ पे भी हो रहे हैं, गज़ा के लोगों को मारा जा रहा है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो बड़े ह्यूमन राइट्स की बात करती है यहाँ पे जी मुनाफ़त शो कर रही है। सो ये आज का कार्टून इसराइल और जो गज़ा का कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको शो कर रहा है। और हमारा जो पर्पस होता है डैट इज़ टू अप्लाई द फार्मूला डैट इज़ कॉल्ड BRU। हमने बिल्ड करना है डाटा, डाटा से लेनी है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से लेना है नॉलेज, और अपनी लैंग्वेज बेहतर करने के लिए हम अपने वोकैबुलरी वर्ड्स डेवलप करेंगे, उसको रिटेन करेंगे अपने माइंड में। फिर इस नॉलेज को जब हमारे पास आ जाएगा, लैंग्वेज बेहतर हो जाएगी, उसको यूज़ करेंगे पाकिस्तान अफेयर का पेपर हो, करंट अफेयर हो, ऐसे राइटिंग हो उसके लिए। और साथ साथ हमने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। और ये है जी आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर 3 एडिटोरियल हैं और 4 ओपिनियन हैं। ठीक है, सबसे पहले जी है एडिटोरियल। पहला जो एडिटोरियल है वो जी May 9 फॉल आउट। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि पिछले साल May 9, 2023 को जी एक वाकया होता है, इमरान ख़ान को जब अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद जो PTI के कारकुन हैं वो पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में रैलियां निकालते हैं। और जी इन रैली में जी काफ़ी जो है आपको पीस डिस्टर्ब हुआ दिखाई देता है। और ये कहा जाता है कि उन कारकुनों ने और जो PTI के सपोर्टर थे उन्होंने जो मिलिट्री की फैसिलिटेटर यूनिट थे उन पे भी हमला किया, प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से जितने भी इन्वॉल्व इन रियोट्स, जितने भी सिविलियन इन रियोट्स में इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक्शन लेते हैं। जितने भी सिविलियन थे, सपोर्टर थे PTI के, उनको कैद किया जाता है, ख़ास तौर पर जिन्होंने जी नुकसान पहुँचाया था। उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर एक्शन लिया जाता है। तो इस सारे वाक़िया को हुए हुए एक साल हो गया है। और उस वक्त आपको पता है जी जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर थे वो राना सनाउल्ला थे, और राना सनाउल्ला कहता है कि इस सारे रियोट्स के पीछे PTI के लीडर्स इन्वॉल्व हैं, इमरान खान इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब जी एक साल बाद दोबारा आप कहता है कि कल आपने देखा बयान आया है जी, ठीक है, DGI SPR अहमद शरीफ का कि PTI जो है ना वो माफ़ी मांगे और वो इस बात से तौबा करे कि वो इंतशार और नफ़रत की सियासत नहीं करेंगे तो उनको मुआफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन PTI की तरफ से बयान आता है कि झूठे बयानियाँ देना बंद करो। तो जो शो कर रहा है कि दोनों एस्टेब्लिशमेंट और जी जो PTI है उनके दरमियान अभी भी डिवीजन देखने को मिलती है। और ये जो डिवीजन है, ये जो स्टैंड ऑफ है, ये पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ला रहा है। और जितनी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी उतना ही पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। तो कोई भी दोनों तरफ से जी कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा कि इस मामले को ख़त्म करें। तो कहता है कि जो करंट गवर्नमेंट है ना उसको आगे आना चाहिए और इस मामले को ख़त्म करवाना चाहिए सो डैट पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए। तो एक साल हो गया है इस वाकये को, अभी भी दोनों के दरमियान क्या है, स्टेलमेट का मतलब होता है डेड लॉक है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है May 9, 2023 से अभी तक, अभी भी जो टेंशन है PTI और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हमें एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ती हुई नज़र आती हैं। और इंटरनल और जो एक्सटर्नल चेंज होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। एक्सटर्नल इस तरह आप देखते हैं कि PTI इल्ज़ाम लगाती है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी गवर्नमेंट को हटाया। और फिर साइफर केस में आपने देखा कि USA भी इन्वॉल्व है जिस तरह इमरान खान का कहना था। तो जस्ट हमने जी जो लिखा हुआ है उसको डिस्क्राइब करना होता है, तो हमने जी मेन मेन पॉइंट्स उठाने होते हैं जस्ट। तो ये मिलिट्री जो है उसने कहा है कि PTI अपोलॉजी करे, डिस अवल होता है कि वो डिनाई करे, कि वो इस बात को मान ले, इस बात से इनकार करे
कि वो अनारकी और जो हेट इंतशार और जो नफ़रत की सियासत है ना, वो पीटीआई अब नहीं करेगी। तो पीटीआई क्या करती है जी, डिसमिस कर देती है कि ये एक झूठ है, फॉल्सहुड है, और इसकी क्या करती है, कंट्राडिक्शन करती है, इस बयान की मुखालफत करती है जो अभी मिलिट्री की तरफ से, जो ख़ास तौर पे जनरल शरीफ अहमद साहब जो हैं उनका बयान आया है। पीटीआई रोल्स इन एस्केलेशन, पीटीआई का जो नरेटिव है, लेड टू वायलेंस आफ्टर इमरान खान अरेस्ट। पिछले साल जब इमरान खान अरेस्ट हो गए थे उसके बाद कहता है पीटीआई वायलेंस पे उतर आई थी। पीटीआई की जो सपोर्टर हैं उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर रियोट्स किए, रैलियाँ निकाली, जिसकी वजह से वायलेंस आया, और उसके बाद फिर सिक्योरिटी जो एजेंसी है उनको एक्शन लेने पड़े। तो राइटर कहता है कि जो पीटीआई है वो, उसको अर्ज किया जाता है कि वो माने कि उसका जो ये एक्शन था वायलेंस क्रिएट करने का, ये इररिस्पॉन्सिबल था, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। इस वायलेंस की वजह से जो है फिर इनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेने पड़े, और जिसकी वजह से काफ़ी जो फोर्सेस हैं वो सामने आपके आई। तो स्टेट अवर रीच इन रिस्पांस, तो इसके बदले में जब ये वायलेंस हो गया तो स्टेट ने क्या किया जी, अपनी डिक्टेटरशिप शो की, जो कि कहता है पास्ट के अंदर हमें जो डिक्टेटरशिप आई ना उसकी ही रिमेनिंग है। तो क्या हुआ जी, फिर रेड की गई, जो जो इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा गया। वेंडलिज्म होता है जिन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया था, और जितने भी सिविलियन इन पे शक था उनको पकड़ के उनको हरेस किया गया, मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई। ठीक है, तो राइटर कहता है कि गवर्नमेंट अब जो है, जो करंट गवर्नमेंट है उसको आना चाहिए, और ये जो डेड लॉक बन गया है इसको तोड़ना चाहिए। प्रपोजल फॉर प्रोसिक्यूटिंग केस इन सिविलियन कोर्ट, और जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केस गए हैं उनको जी सिविलियन कोर्ट्स के अंदर लाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ नहीं करता कि सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाया जाए। और इसमें क्या लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, और इस चैप्टर को क्लोज़ कर देना चाहिए। इसी वजह से अगर ये चैप्टर क्लोज़ ना हुआ तो ये हमारे मुल्क में मज़ीद डिस्टर्बेंस लेके आएगा। तो अपनी नेशनल प्रोग्रेस के लिए हमें इस चैप्टर को क्लोज़ कर देना चाहिए। उसके बाद जी दूसरा एडिटोरियल है आ फ्रेश अप्रोच। ठीक है, आ फ्रेश अप्रोच के अंदर बलूचिस्तान के इशू को एड्रेस करेगा। बलूचिस्तान के अंदर आपको एनार्की देखने को मिलती है, वहाँ पे जो डिफरेंट सेपरेटिस्ट जमातें हैं, मिसिंग पर्सन का इशू है, जिस तरह वहाँ पे आपको दहशतगर्दी के वाक़ देखने को मिले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ग्वादर पे अटैक होता है। ठीक है, तो इसके लिए कहता है कि अभी जो बलूचिस्तान के अंदर जो काफ़ी अरसे से इशू आ रहे हैं उनको जी डिस्कस करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी कोशिशें कर रही है। आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने विज़िट किया है क्योटा का, और अब जाके वहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया है, जितने भी प्रोविंस के चैलेंज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। तो ये है जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान का मैप, और यहाँ पे बताया गया है कि जो अभी रीसेंट आसिफ अली जरदारी गए हैं इनको जी वसूल किया है, जो बलूचिस्तान के CM हैं ये सरफराज बुगटी साहब हैं, और ये गवर्नर हैं जी, ये बलूचिस्तान के, इनका नाम है जी शेख जाफर खान। तो इन्होंने जी वेलकम किया है आसिफ अली जरदारी को। इसके अंदर क्या डिस्कस किया गया है कि 2009 के अंदर आगाज़े हदूद बलूचिस्तान के नाम से जी एक इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके अंदर इस पैकेज के अंदर जितनी भी बलूचिस्तान के अंदर महरूमियां हैं, जो एलिनेशन है, जो अपने आप को सेपरेट समझते हैं, उनको दूर करने के लिए बलूचिस्तान के जो इशू हैं इनको एड्रेस करने की तजवीज़ की गई थी। डिस्पाइट एफर्ट्स, काफ़ी कोशिश करने के बावजूद वहाँ पे सेपरेटिस्ट जो जमाते हैं उनका वायलेंस देखने को मिलता है, डिसकंटेंट एंड्योर, ऐसे लगता है कि वहाँ की जो आवाम जो है अभी भी वो डिसकंटेंटमेंट शो करती है कि वो एतबार नहीं करती पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे। तो ये है जी 2009 के अंदर जो आगाज़े हदूदे बलूचिस्तान पैकेज दिया गया था, इसके अंदर पॉलिटिकल स्टेप्स लिए गए थे, इकोनॉमिक इंसेंटिव दिए गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को जो है देखने के लिए बातें की गई थी, तो काफ़ी मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बनाए गए थे। तो इसको जी दोबारा इस पे काम करने की बातें की गई हैं इस विज़िट के अंदर। एड्रेसिंग रूट काज वाइटल टू ब्रेक साइकिल ऑफ वायलेंस एंड एलिनेशन, जब तक हम बलूचिस्तान के अंदर जो रूट काज हैं उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो वायलेंस है और जो वहाँ पे सेपरेटिस्ट जमाते हैं
वो ख़त्म नहीं हो सकती। डायलॉग एडवोकेटेड एज क्रूशियल स्टेप, इसके लिए इन पे डायलॉग किए जा रहे हैं। और जी मीनिंगफुल जो हैं, हमें इंगेजमेंट करने की ज़रूरत है, ये कहना है राइटर का। पॉपुलर जो लीडर हैं वहाँ पे उनको एम्पावर करना चाहिए, और उसके अलावा जितने भी वहाँ पे ग्रुप हैं जिनको सरपरस्त करते हैं बाहर के फॉरेन फैक्टर्स, उनको दूर कर देना चाहिए। और वहाँ पे जो इनफोर्स डिसअपीयरेंस का मसला है, जो मिसिंग पर्सन का इशू है, उसको हल करना चाहिए। और उसके अलावा जी इस प्रोसेस को जो वहाँ पे है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का मैकेनिज्म, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और वहाँ के जो लोकल्स हैं जो महरूम हैं रिसोर्सेज से, जॉब से, उनको जी हेल्प दी जाए, एजुकेशन फैसिलिटेट दी जाए, ताकि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो ठीक हों, और वहाँ के जो इंतशार फैलाने वाली जो जमातें हैं वो उनको यूज़ ना कर सकें, ये कहना है राइटर का। उसके अलावा कहता है कि हमने इंसेंटिव भी दे के देख लिए, सिक्योरिटी मेजरमेंट करके भी देख ली, ये दोनों इन इफेक्टिव रही हैं, तो अब वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो अप्रोच है वो अप्लाई की जाए, सो डैट वहाँ पे पीस और जो डेवलपमेंट है ना वो सस्टेनेबल बेसिस पे आ जाए। ठीक है, तीसरा एडिटोरियल है जी वीज़ा फ्रॉड। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि 70 लाख जो पाकिस्तानी है ना वो कानूनी तरीके से बाहर जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बेहतर ज़िंदगी के लिए, जिनको ख्वाब दिखाए जाते हैं कि यूरोप में बेहतर ज़िंदगी है, कमाई ज़्यादा है, तो वहाँ पे जाने के लिए वो इलीगल जो है ना वो रास्ते इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह जी फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से लोग यूनान जाने के लिए या इटली जाने के लिए जो इलीगल रूट इस्तेमाल करते हैं ना, तो जिसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कहते हैं, ठीक है, तो ये पाकिस्तान से निकलते हैं, ईरान जाते हैं, ईरान से फिर ये जाते हैं तुर्की, ठीक है, और तुर्की से फिर जाते हैं जी ग्रीक, और दरमियान में लोग मारे भी जाते हैं, ठीक है, इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। दूसरी तरफ इनका एक रूट है कि कराची से ये जाएँ UAE, और वहाँ से फिर ये जाएँ इजिप्ट, और इजिप्ट से जाएँ लीबिया, लीबिया से फिर ये जो है ये समंदर है, मेडिटेरेनियन सी है, कौन सा है, इसको क्रॉस करके ये जाते हैं इटली, ठीक है। ये जी स्मगलिंग जो है ना, इसको रोकने के लिए FIA जो है वो हरकत में आती है। तो अब एक नया गैंग पकड़ा गया है, ठीक है, ये जो गैंग पकड़ा गया है ना, ये फ्रॉड करता है और काफ़ी पैसे ले लेता है लोगों से। तो ये टैकलिंग फ्रॉडुलेंट वर्क वीज़ा के नाम से शहरियों के साथ फ्रॉड होता है, और ह्यूमन स्मगलिंग जो है ना, ये पाकिस्तान का एक बड़ा चैलेंज है। FIA को ये टास्क दे दिया गया है कि जितने भी लोग फ्रॉड करते हैं वर्क वीज़ा के नाम से, उनको पकड़ा जाए, उनके अगेंस्ट क्रैक डाउन किया जाए, और पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन स्मगलिंग होती है रोमानिया के ज़रिए, ठीक है, उनमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा दी जाए। तो ये मुहिम भी चलाती है, अवेयरनेस भी दी जाती है कि जो इलीगल लोग जाते हैं, पिछले साल ये कश्ती डूब गई थी, ठीक है, ये इलीगल ट्रैवलिंग कर रहे थे तो बहुत से लोग मर गए थे, ठीक है, तो ये अब मुहिम भी चलाई जाती है कि 70 लाख पाकिस्तानी कानूनी तरीके से बिरूने मुल्क जाते हैं, तो आप क्यों जो हैं वो इलीगल वे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो FIA है ये अवेयरनेस भी लोगों को देती है कि ह्यूमन स्मगलिंग को रोका जाए, ठीक है। तो FIA अब जो है जितने भी ये फ्रॉड करते हैं वर्क वीज़ा के नाम से, जो बेशुमार यंग लोग जो पैसे देते हैं, उनके खिलाफ़ इन्होंने एक्शन लिया है, और जितने भी ये मुजरिम इन्वॉल्व हैं उनको कैद किया जा रहा है। तो ख़ास तौर पे मोडस अपरेंडाई होता है कि क्या मेथड इस्तेमाल किया जाता है स्मगलर के अगेंस्ट, जो जितने भी स्मगलर हैं जो इलीगल एंट्री करवाते हैं यूरोप यूनियन के अंदर, यूरोप के अंदर, और उसके अलावा ये क्लैंडेस्टाइन मूवमेंट होता है, छुपी हुई ये तरीके हैं, और जितनी भी यूरोपियन नेशन है वहाँ पर जी पैसा ज़्यादा होने की वजह से, और लोग जो हैं वहाँ पर जाके अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर करने की वजह से, इलीगल जो है वो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन की, और माइग्रेंट को एक्सप्लोट किया जाता है, उनको ख्वाब दिखाए जाते हैं कि वहाँ पे ज़िंदगी बेहतर है। और अभी 509 जो वर्क परमिट थे ना, इनकी रिक्वेस्ट की गई थी, इन फ्रॉडी जो ये फ्रॉडी लोग हैं इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास 509 जो है वर्क वीज़ा हैं, लेकिन इनको मिले कितने थे, 102, और बहुत ज़्यादा लोगों से इन्होंने पैसे ले लिए और मिलियंस ऑफ यूरो इन्होंने कमा लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं जी, ये अब कहता है कि शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल सी, पहले तो समंदर के ज़रिए ट्रैवलिंग होती थी, अब कहता है कि लैंड रूट के ज़रिए
एरोप्लेन में जाते हैं, लेकिन ये होते इलीगल, इनके पास फ्रॉड वीज़ा होते हैं। जितने भी स्मगलर हैं, जितने भी लोग जाते हैं, जो इनके हाथे चढ़ते हैं, इनके रेट्स बड़े महंगे होते हैं। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है महंगा। जितने भी इंडिविजुअल यूरोप जाना चाहते हैं, क्योटा से, ईरान से, तुर्की से और ग्रीक से, इनसे अच्छे खासे पैसे भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा वो मैप के अंदर आप रूट देख सकते हैं। तो राइटर कहता है कि अब अर्जेंट ज़रूरी आ गई है कि जो ये डेंजर है ना, जो ह्यूमन स्मगलिंग का यंग लोगों में बढ़ता जा रहा है, इसको एड्रेस किया जाए। गवर्नमेंट को कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गेनाइज़ की है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें ह्यूमन स्मगलिंग के इशू को हाईलाइट किया गया है और इस बात को मद्देनज़र रखा गया है कि इस पे एक्शन किया जाए, और जितने भी लोग जो अपनी मजबूरी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, सिक्योरिटी जो है उसकी ना मिलने की वजह से जो जाते हैं, उनको जी पाकिस्तान के अंदर ही वो माहौल दिया जाए जो वो बाहर तलाश करना चाहते हैं, और जो ये इनको एक्सप्लोइट करते हैं, ठीक है, उनको पकड़ा जाए। ये क्रिमिनल नहीं होते, जस्ट इनको एक्सप्लोइट किया जाता है, ये शिकार हो जाते हैं इन लोगों का। इनको जो सज़ा दी जाती है वो क्रिमिनल की सज़ा ना दी जाए, इनको विक्टिम की सज़ा दी जाए, ठीक है। कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी नीडेड, प्रोटेक्टिव और उसके अलावा जो प्रोएक्टिव रोल जो है स्टेट का वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। उनको ना सिर्फ सज़ाएं दी जाएं, बल्कि ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए, और जितने भी ये माइग्रेंट हैं ना, ये दूसरे मुल्कों में ना जाएं। पाकिस्तान में अगर करप्शन ख़त्म होगी, यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, तो हालात ठीक होंगे, तो कौन अपना घर छोड़ के जाएगा, ये कहना राइटर का। हमें अपनी डोमेस्टिक जो सिचुएशन है वो ठीक करने की ज़रूरत है। FIA को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और जो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका ढूंढें। इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं उनसे कोलैबोरेट किया जाए, और जो बॉर्डर मैनेजमेंट है इसको इम्प्रूव किया जाए, और जितने भी स्मगलिंग नेटवर्क हैं इनको ख़त्म किया जाए, सो डैट जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से बेशुमार लोगों की जानें जाती हैं ना, उनसे रुक रुका जा सके। उसके बाद ये डिस्कस करते हैं ओपिनियन। पहली ओपिनियन है जी दुबई, बाकू एंड बिलाम, ये तीन शहर हैं। दुबई UAE का शहर है, जहाँ पे जी COP28 हुई थी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जिसके अंदर जो क्लाइमेट इशू है इसको डिस्कस किया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है इसको डिस्कस किया जाता है, और जो डेवलपिंग कंट्री अफेक्ट होते हैं उनके लिए फाइनेंस की बात की जाती है। तो अब 2024 में कोप जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, बाकू के अंदर होगी, 2025 में बिलाम के अंदर होगी, जो कि ब्राज़ील का शहर है। अब जी ये अली तुकीर शेख साहब ने लिखा है कि पाकिस्तान जो है ना, इसको भी इंटरनेशनल ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, इससे सीखना चाहिए, और वहाँ पे जो क्लाइमेट पॉलिसीज बनती है ना उनसे गाइडलाइन लेनी चाहिए, और जितना भी साइंटिफिक डेटा है और साइंटिफिक रिसर्च है ना, उसको देखते हुए पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट इदारे हैं ना उनको रिफॉर्म्स करनी चाहिए, ठीक है। ये कहना है राइटर का। जिस तरह वो कहते हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं बताऊं कि ये जो पहले बात करते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट जो इनिशिएटिव लिए गए थे 2015 से, ये इनिशिएटिव लिया गया था पेरिस के अंदर, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि किस तरह इंटरनेशनल जो लॉबी है वो इंगेजमेंट कर रही है और फाइनेंसिंग प्लान कर रही है क्लाइमेट इनिशिएटिव लेने के लिए। तो पाकिस्तान को भी जितनी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं ना, इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वहाँ पे जितने भी ग्लोबल क्लाइमेट से निमटने के लिए एक्शन लिए जाते हैं उनको पाकिस्तान को सीखना चाहिए और अपने इंस्टीट्यूशन में ला के उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो ये देखें ना, पाकिस्तान को अपना रोड मैप बना लेना चाहिए इन पार्टीज से सीख के, और पाकिस्तान को नेशनल और जो प्रोविंशियल स्टेक होल्डर है ना उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, और ये जो रिफॉर्म्स है ना इनको अलाइन करने के लिए डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाएं, जो क्लाइमेट राइट्स हैं उनको बढ़ाया जाए। तो ये कह रहा है राइटर के जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती हैं उससे पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए, और पाकिस्तान को भी अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको गाइडलाइन लेनी चाहिए, क्लाइमेट पॉलिसी बनानी चाहिए, जितना भी साइंटिफिक डेटा है और जो रिसर्च होती है उसको देखते हुए क्लाइमेट पॉलिसी बनाई जाए, और ये जो क्लाइमेट प्रायोरिटीज़ हैं इनको कोरिलेट किया जाए, इनको क्रिएशन की जाए,
प्रोविंस जो है उसको भी इन्वॉल्व किया जाए, सो डैट जो पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट की वजह से जो अफेक्ट आते हैं, जिस तरह सैलाब आ गया था, उनसे निपटा जा सके। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको जी क्लाइमेट फाइनेंस करना चाहिए, उसको पैसे देना चाहिए, सो डैट पाकिस्तान क्लाइमेट के और ले के सीरियस हो और इस पर काम करे। और जितनी भी जो क्लाइमेट पॉलिसी हैं इनको पाकिस्तान को नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और सेक्टर लेवल पे इनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए और इनकी एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच जो है वो बुलानी चाहिए, ये कहना है राइटर का। उसके बाद ही दूसरी ओपिनियन है द नेट मीटरिंग डेड एंड। इसके अंदर जी पाकिस्तान के अंदर आ रहा है सोलर रेवोल्यूशन, बल्कि आ भी गया है, जो पाकिस्तान के अंदर आया है इसकी वजह से जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है ना, जो एनर्जी है ना, उसको लेके चैलेंज पैदा हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं। ये आपको अफवाह सुनने को मिली कि जिन्होंने सोलर पैनल लगाए हैं ना उनको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन राइटर कहता है कि मैंने जो की डिसीजन मेकर है ना उनसे ये अफर्म किया है कि जिनके पास सोलर पैनल है ना उनको पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और जो उनके नेट मीटरिंग रेट्स हैं ना वो रिवाइज़ नहीं किए जाएंगे। ये अफवाह सुनने को मिल रही थी कि जो लोग सोलर से, सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं ना, ठीक है, तो इजाफी बिजली वो किसको दे देते थे, ग्रिड को दे देते थे, ठीक है, वापड़ा को दे देते थे, और जब उनको ज़रूरत होती थी तो वो ले लेते थे। तो ये अफवाह देखने को मिली थी कि जिन्होंने सोलर पैनल लगवाए हैं उनसे टैक्स लिया जाएगा, और जिस रेट पे वो बिजली ख़रीदेंगे ना, मतलब जिस रेट पे फ़र्ज़ करो वो सोलर जिस मतलब वो बिजली जो बना के देंगे ना सूरज से, तो वापड़ा उसको सस्ते पैसे में लेगी और जब उनको ज़रूरत होगी तो उनको महंगे पैसे में देगी। जिस तरह उन्होंने जो उनके पास जो एक्स्ट्रा बिजली है उनने बनाई है, जब वो वापड़ा को देंगे तो वापड़ा उनसे 10 रुपये में लेगी और जब उनको ज़रूरत होगी तो 50 रुपये में लेगी। वो क्यों लेगी वो आगे बताता है, कहता है कि पाकिस्तान के अंदर चैलेंज पैदा हो रहे हैं जी सोलर रेवोल्यूशन को लेके, ठीक है, और कहता है कि सोलर रेवोल्यूशन से हालांकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पैदा होगी और जो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी को लेके बुरहान है वो कम होगा, लेकिन जी पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो परेशान है क्योंकि सोलर रेवोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है। वो क्यों है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। और कहता है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो सोलर पावर कैपेसिटी है वो ग्रो हो रही है, तो हमें भी जो है दुनिया के साथ अडाप्टेशन करना चाहिए। तो कहता है कि पाकिस्तान की जो रूफ टॉप सोलर है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने सोलर लगवा लिए हैं जिसकी वजह से पॉलिसी चैलेंज पैदा हो रहे हैं। रूफ टॉप सोलर जो पाकिस्तान के अंदर हैं और उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जो है ना ये एक्सपेंड होते जा रहे हैं, दुनिया जो है वो सोलर पैनल लगवा रही है, पाकिस्तान के अंदर जो रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमने अंदाज़ा लगाया था कि 2026 तक हमने तकरीबन समझो कि 2000 जो मेगावाट बिजली है ना इसके करीब वो हमने सोलर पैनल से बनवानी थी। अभी 2023 ही आया था कि हमने इतनी बिजली सोलर पैनल से बनवाना शुरू कर दी है। तो अब आपको पता है कि जो बिजली के बिल आते हैं उसमें रंग बिरंगे टैक्स होते हैं, ठीक है, फ्यूल एडजस्टमेंट होती है, बाकी और टैक्स होते हैं। तो जिन लोगों ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं तो वो गवर्नमेंट के टैक्स से बचेंगे, और फिर क्या होगा, जो पुअर लोग हैं जो बिल देंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते सोलर पैनल को, सारा बोझ जो है उन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो गरीब लोगों को टैक्स से बचाना चाहती है, तो इसलिए जी इसको लेके चैलेंज पैदा हो रहा है। और जी पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि एक इस तरह की पॉलिसी आई थी कि जिनके पास पैसा था ना, प्राइवेट जो लोग थे, तो वो क्या करते थे, उन्होंने जी बिजली पैदा करते थे वो, और वो बिजली वो किसको देते थे जी, वो एनर्जी पैदा करके वापड़ा को देते थे, ठीक है, बदले में जी उन्होंने ये साथ अपनी डिमांड भी रख ली कि गवर्नमेंट उनके ऊपर जो भी वो बिजली बनाएंगे गवर्नमेंट उनसे लेने पे मजबूर होगी। और दूसरे नंबर पे उन्होंने ये डिमांड रख ली थी कि जो भी वो तेल लेंगे, पेट्रोल लेंगे, उस पे उनको सब्सिडी मिलेगी, उनको टैक्स फ्री जो है वो पेट्रोल मिलेगा। अब जी गवर्नमेंट मजबूर थी, गवर्नमेंट ने उस वक्त उनकी बात मान ली है।
अब क्या कहता है कि वो जो कंपनियां हैं ना, वो वापड़ा को बिजली बना के दे रही हैं जी पेट्रोल पे, जो कि काफ़ी महंगी पड़ती है, ठीक है। और वापड़ा फिर वो आगे किसको बेचता है, लोगों को बेचता है, ठीक है। अब क्या हो गया जी, सोलर पैनल जब बढ़ते जा रहे हैं, अमीर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी सोलर पैनल से जो है पूरी कर रहे हैं। तो वापड़ा ने जो ये टैक्स पूरा करना है, वापड़ा ने जो अपने खर्चे पूरे करने हैं, वो सारे खर्चे अब किससे पूरे करेगी, गरीबों से पूरे करेगी। तो अब ये जो हमें फार्मूला है ना, ऑटोमोडिड प्राइसिंग फार्मूला, ये जो नया फार्मूला है ये हम अप्लाई कर रहे हैं। और जो मैनुअल प्राइसिंग फार्मूला है ना, हमारी जो पावर ब्यूरोक्रेसी है वो उस पर रिलाइज करती है, जो कि आउटडेटेड हो गया है, ठीक है। और कहता है कि ये जो आउटडेटेड मॉडल्स है ना, जो पुराने मॉडल चले आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है जी, एक रुकावट है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो कहता है कि अब ये जो प्रोज्यूमर आ गए ना, प्रोज्यूमर होते हैं जो सोलर पैनल से एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, उसको खर्च करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है वापड़ा से। तो इनके आने की वजह से ना, जो पाकिस्तान के अंदर ये जो एनर्जी सेक्टर है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो पुराने मॉडल पे हो रही थी, उसके लिए चैलेंज खड़ा हो गया है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जो है वो किस तरह इससे डील करेगी। तो राइटर कहता है, प्रपोज चेंज एम टू प्रोटेक्ट द ब्यूरोक्रेसी रेदर देन एम्ब्रेसिंग द डिसरप्टिव इम्पैक्ट ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी। और कहा जा रहा है कि सोलर, अब गवर्नमेंट चाहती है कि अवाम मज़ीद सोलर पैनल ना ले, क्योंकि जो उनकी टैक्स पॉलिसियां हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। लेकिन राइटर कहता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, उसको अब हिंड्रेस नहीं क्रिएट करनी चाहिए, बल्कि लोगों को सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करने की इजाज़त देनी चाहिए। कंपेरिजन ड्रॉन टू पास रेजिस्टेंस टू मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी एम्फसाइज द नीड फॉर अडाप्टेशन एंड फैसिलिटेशन रेदर देन प्रोटेक्शनिज्म। तो कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आई थी ना मोबाइल, तो अगर हम मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते तो हमने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेने थे। लेकिन फिर पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है इंटरनेट की वजह से, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेहतरी आई है, वो नहीं आनी थी। तो कहते हैं अगर हम अभी सोलर पैनल पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो इससे लोग उसको लेना छोड़ देंगे, लेकिन फिर हम पुराने ज़माने में चले जाएंगे। तो स्टेट को चाहिए कि अपने आप को साइड पे करे, और जितनी भी कंपनियां जो प्राइवेट बिजली बनाती हैं वो डायरेक्ट आएँ और डायरेक्ट आवाम को बेचें, और इससे जो बर्डन है स्टेट का वो भी कम होगा। तो ये राइटर कहता है कि जो पावर ब्यूरोक्रेटिक जो है पाकिस्तान की, उसको अडाप्ट करने की ज़रूरत है, और जो सोलर रेवोल्यूशन आया है इसके अंदर रुकावट ना बने, बल्कि फैसिलिटेट करे और इसको बढ़ने दे, और पाकिस्तान के अंदर ये जो पुराना मॉडल चल रहा है इससे शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और पॉलिसी जो है उसको बनाने की ज़रूरत है। और इस तरह जो रीन्यूएबल एनर्जी हुआ उसकी तरफ हमें जाना चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी जो है उसको बढ़ाना चाहिए। जस्ट इसके बारे में है ये ओपिनियन। तो ओवरऑल जी आर्टिकल जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, उसकी वजह से, और जो सोलर रेवोल्यूशन आ रहा है उसकी वजह से जो चैलेंज आ रहे हैं, और उसको देखते हुए हमें ये जो इनोवेशन है इसको कबूल करना चाहिए, अपने जो पॉलिसी मैकेनिज्म है इसको अडॉप्ट करना चाहिए, और ये जो ट्रांजिशन देखने को मिल रही है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ, इसकी तरफ हमें जाना चाहिए। तीसरी ओपिनियन है अनवेलकम रिटर्न। तो ये जी जस्ट मोदी के बारे में है, पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन के बारे में है। जस्ट हल्का सा आपने देख लेना है, मोदी जो है ना वो आपको पता है कि उसकी आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिस्ट है, वो परेशान है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान है ना उनका साइज़ बढ़ता जा रहा है। 200 मिलियन जो मुसलमान है ना, वो कहता है कि मोदी मेरे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल हैं ये भी बात करते हैं इसके बारे में कि जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं ना इंडिया के अंदर, अब ये बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ये दो तरह की मिनॉरिटीज़ थी ये इंडिया के अंदर, ये मज़हब ओरिजिनेट हुए, इनको भी काफ़ी जो है प्रेशर फेस करना पड़ा। तो बुद्धिज़्म जो है वो भी डिक्लाइन हो रहा है इंडिया के अंदर, और जो जैनिज़्म मज़हब के लोग हैं वो भी पूरी दुनिया के अंदर चले गए हैं। तो इसी तरह जो मोदी जो है उसको, उसकी वजह से जो मुस्लिम पापुलेशन है वहाँ पे, वो भी परेशान है, ठीक है। मोदी कहता है कि मुसलमानों का साइज़ बढ़ता जा रहा है, और कांग्रेस जो है ना, जो उसकी अपोजिशन पार्टी है, वो मुसलमानों को सपोर्ट करती है। तो वो कहता है कि अगर इतने ज़्यादा मुसलमान होंगे तो ये आपका मंगलसूत्र भी खींच लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके ना मोदी जो है
वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान क्या बढ़ा रहा है, इख्तलाफ बढ़ा रहा है जस्ट वोट लेने के लिए। ठीक है, अब कहता है कि जो पॉलिटिकल नरेटिव है ना मुसलमानों को लेके इंडिया का, वो चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों को वहाँ पे जी काफ़ी प्रेशर फेस करने को मिलता है, और वहाँ पे जो पोलराइजेशन है ना, जो डिवीजन है, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहता है कि अगर जून के अंदर जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा, अगर मोदी जीत गया, तो इसकी वजह से पाकिस्तान पे भी इसका इफेक्ट आएगा, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये जो रीजनल स्टेबिलिटी है इस पे भी इफेक्ट होगा। जिस तरह मोदी कहता है कि जो ट्रीटी हमने साइन किए हुए हैं, जिस तरह वाटर ट्रीटी है 1960 का, इससे भी ड्रा कर लेगा। तो ये वो बता रहा है कि मोदी जो है ना, ये बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है, और 1971 में जब बांग्लादेश टूटा था ना, जो वहाँ पे मसला हुआ था, तो कुछ बांग्लादेशी जो है वो रिफ्यूजीज़ इंडिया आ गए थे, तो उनको भी वापस भेजने का प्लान कर रहा है मोदी। तो ये जी जस्ट आर्टिकल हाईलाइट करता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताता है कि हिंदू मुस्लिम रिलेशन इंडिया के अंदर जो हैं वो रहे हैं। अब ये मोदी लीडरशिप जब आया है, नेहरू के ज़माने में तो सारे मुसलमान जो हैं उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाते थे, सेकुलर इंडिया जो है उसका नारा लगाया था नेहरू ने, लेकिन अब जब से मोदी आया है तो वो रिलीजन कार्ड प्ले कर रहा है और पोलैरिटी को बढ़ा रहा है जस्ट वोट गेन करने के लिए। तो मोदी की वजह से इस रीजन की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, इसके बारे में है ये ओपिनियन। चौथी जो ओपिनियन है, डेट इज़ ग्रेप्स ऑफ रैथ, तो ये रशीद अमजद साहब ने लिखा है, ख़ास तौर पे जो पुअर फार्मर हैं जिनकी गंदम जो है कोई लेने को तैयार नहीं है, जो लेता है वो लो प्राइस पे लेता है, तो उनकी जो होप है ना वो ख़त्म होती जा रही है। तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि जब से न्यू लिबरलिज्म आई है ना, न्यू लिबरलिज्म क्या होता है जी, स्टेट जो है वो इकोनॉमी अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर ना करे, जितनी भी इकोनॉमी अफेयर्स हैं वो प्राइवेट हों, और जो मार्केट है वो डिसाइड करेगी गुड्स की प्राइस। ठीक है, अब कहता है कि गवर्नमेंट ने जो प्राइस सेट की थी 3900 एक मन के हिसाब से गंदम की, वो नहीं मिल रही, तो वीट प्रोक्योरमेंट मतलब गंदम लेने की जो पॉलिसी बनाई थी, जो पैसे गवर्नमेंट ने प्राइस बनाई थी, उसकी वजह वो जो है किसानों को नहीं मिल रही, और किसान क्या है जी, वल्नरेबल हैं, परेशान हैं। ठीक है, और इसके बारे में वो बात करते हैं कि ये जो पुअर स्मॉल फार्मर है ना, जिन्होंने ज़मीनें किराए पे ली हुई हैं, ठीक है, वो परेशान हैं क्योंकि जी उनकी गंदम नहीं कोई परचेज़ कर रहा, और गवर्नमेंट जो है वो भी नहीं परचेज़ कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के रेकलेस डिसीजन की वजह से, केयर टेकर गवर्नमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा गंदम पंजाब गवर्नमेंट इंपोर्ट कर चुकी है। तो जो उन्होंने प्राइस प्रॉमिस की थी कि इतनी प्राइस में हम गंदम ख़रीदेंगे, अब कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। फार्मर जो हैं उनको डर है कि जो वेदर चेंज हो रहा है, उसके अलावा मार्केट में जो प्राइस कम मिल रही हैं, इसकी वजह से उनकी जो फाइनेंशियल परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और वो एहतजाज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो राइटर जो है वो कहता है कि ये जो क्राइसिस है फार्मर्स का, ये बढ़ता जा रहा है, और हमें दिखाई नहीं दे रहा कि गवर्नमेंट कोई प्रोएक्टिव मेजर ले रही हो, और किसानों की जो ये परेशानियां हैं, जो उनका इशू है कि कोई उनकी गंदम लेने को तैयार नहीं, इसको हल करने के लिए गवर्नमेंट कोई ख़ास काम नहीं कर रही। तो जस्ट राइटर कहता है कि हमें जो गवर्नमेंट है ना, उसको जी जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके लिए वो क्या करें जी, वो जी कहता है कि मार्केट कहता है कि ये ना हो कि किसान जो हैं वो अगली बार गंदम ना लगाएं, तो कहता है कि गवर्नमेंट को ऐसे पैकेज लॉन्च करने चाहिए जिससे किसानों की मदद हो, उनको पैसे मिलें, ताकि वो नई नई जो फसल है उसके लिए उनके पास पैसा आए, और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी जो फूड सिक्योरिटी है उसका इशू पैदा ना हो। अर्जेंट एक्शन करने की ज़रूरत है, सो डैट जो वीट क्राइसिस है उसको कम किया जाए और किसान को सपोर्ट किया जाए। रिकमेंडेशन ये आ रही है कि उन किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए, और जो गंदम लेने की जो पॉलिसी है इसके अंदर रिफॉर्म्स लाई जाएं। गवर्नमेंट जो है वो कहता है कि उसको रिलीफ पैकेज देने चाहिए किसानों की परेशानियां दूर करने के लिए। तो ये जस्ट जो अभी रिसेंट वीट का है, तो आर्टिकल हाईलाइट करता है जितने भी स्मॉल फार्मर हैं उनको चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई गंदम लेने को तैयार नहीं है, ये सारा गवर्नमेंट की नेगलिजेंस की वजह से हो रहा है। तो किसान जितनी गवर्नमेंट जो है वो इस क्राइसिस को दूर करने के लिए
किसानों को सपोर्ट करे। सो ये है जी आज की ओपिनियन, और आज का जो ईडियम है डेट इज़ ग्रेप्स ऑफ रैथ, ठीक है, इसका मतलब होता है एंगर, रिजेंटमेंट, इसका एंटोनम है कंटेंटमेंट एंड पीस। अगर फ़र्ज़ करो कोई आपके साथ अनजस्ट करता है ना, और आप कमज़ोर हैं, ठीक है, और आप जो हैं उसका उस वक्त जवाब नहीं देते, तो आपके अंदर एक गुस्सा जो है वो आ जाता है, डेट इज़ द ग्रेप्स ऑफ रैथ। द वर्कर स्ट्राइक वॉज फ्यूल्ड बाई ग्रेप्स ऑफ रैथ एज दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट वर्किंग कंडीशन इम्पोज बाई द कंपनी। उसके बाद पैरा वर्ड है पीस का मतलब होता है अमन, ठीक है, और PIACE पीस का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। तो ये द निगोशिएशन एम टू ब्रिंग पीस टू द रीजन और शी हैंडेड हिम अ पीस ऑफ केक टू इंजॉय। तो ये है पैरा वर्ड। उसके बाद जी कम्बेटिव होता है जी जलाली, मुकाबला करने वाला, अग्रेसिव, इसके एंटोनम है पीसफुल। रिप्रेजल होता है जी इंतकामी अमाल, रिटेलिएटरी, और इसके एंटोनम है फॉरगिवनेस, पार्डन। उसके बाद है प्रीकैरियस होता है ख़तरनाक, रिस्की, हैजर्डस, इसका एंटोनम है जी स्टेबल। एलिनेशन होता है जी ये फीलिंग ऑफ आइसोलेटेड, तो इसका एंटोनम है इंक्लूजन, कनेक्शन। उसके बाद है क्लैंडेस्टाइन होता है जी पोशीदा, सीक्रेट, और इसका एंटोनम है ओपन, ओवर्ट। एग्जॉर्बिटेंट होता है जी अवर प्राइस, जो महंगी चीज़ होती है ना जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके एंटोनम है रीज़नेबल, अफोर्डेबल। उसके बाद है स्ट्रेंथन होता है मज़बूत करना, रीइंफोर्स करना, इसके एंटोनम है वीकन, अंडरमाइन। वल्नरेबिलिटी होता है जी कमज़ोरी, वीकनेस, वीक स्पॉट, फ्लॉज, इसके एंटोनम है स्ट्रेंथ, रोबस्टनेस। उसके बाद है जी मिस एप्रीहेंशन होता है गलत फहमी, तो इसके एंटोनम है अंडरस्टैंडिंग। ब्यूरोक्रेसी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं, एंटोनम इसका एनार्की, काओस। उसके बाद प्रीसेंस, तो इसका मतलब होता है पेश गोई, फोर साइट, फोर नॉलेज, इसका एंटोनम है इग्नोरेंस, ब्लाइंडनेस। कन्ड्रम होता है जी पजल, डायलमा, मुश्किल हालात, पेचीदगी, इसका एंटोनम है सोलूशन, क्लैरिटी। न्यू लिबरलिज्म अभी मैंने बताया, ठीक है, कि ये फ्री मार्केट हो, स्टेट जो है वो उसमें अपनी इंटरफेरेंस ना करे, तो इसका एंटोनम है इंटरवेंशनिस्ट, सोशलिस्ट। प्रोक्योरमेंट होता है जी किसी चीज़ को हासिल करना, एक्विजिशन, परचेज़ करना, एंटोनम इसका सेल। ये है जी आज का एडिटोरियल और ओपिनियन, थोड़ा लेट हो गया, कुछ सिग्नल भी नहीं थे, कुछ पर्सनल कमिटमेंट थी। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।